सबसे पहले तो हम अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो यकीनन इससे हमारी एप्रिसिएशन होती है और एक मोटिवेशन मिलती है जिससे हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये गेस्ट पोस्ट 9 की तीसरा लेक्चर है। ये जो वीडियो है इसमें हमने बताया है कि आप गेस्ट पोस्ट 9 में वेबसाइट को कैसे ऐड करते हैं। वेबसाइट को ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, छोटी छोटी कुछ निटी ग्रिटीज़ हैं, उनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इसमें ख़ासकर छोटा सा SEO है, इसमें टैग्स आपने लगानी है, कैसे लगानी है वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसमें जो हमने आपको एक स्किल सिखाई है वो है प्राइसिंग सेट करना, कि आप कैसे प्राइस सेट करेंगे। एक तो आप अपने वेंडर के लिए एक लिस्ट बनाई हुई है, वो प्राइस और है, वो आपको ओपन मार्केट में क्लाइंट मिलता है। लेकिन इधर जो है इधर आपको कुछ डिफरेंट पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, जो कि हमने एक चार्ट के ज़रिए, एक एक्सेल शीट के ज़रिए आपको सिखाया है, आपको पूरा गाइड किया है, आपने उसको गौर से सीखना है। नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने प्रोफेशनल वे में इस चीज़ को सीखना है तो आप उसको लाजमी देखिएगा, लाजमी समझिएगा, बहुत आसान तरीके से हमने बताया। इसके अलावा एक और चीज़ हमने बताई है, पॉइंट बताया है कि आप इसको जब आप बना लेते हैं तो आप प्राइस को सिर्फ एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाद में कभी भी। आखिर उसकी क्या वजह है वो आपको वीडियो में आप इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगी। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो यकीनन गेस्ट पोस्ट 9 पे आपको काम करना आसान हो जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरह फाइबर में आप जाते हैं, अपवर्क में जाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर आपको क्या करना पड़ता है, उधर आपको अपनी गिग को, लेट्स से फाइबर है, फाइबर पर आपको अपनी गिग को मेंटेन करना पड़ता है, उसको रैंक करवाना पड़ता है, उसकी SEO करनी पड़ती है, आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं, जो हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, जो कि क्लाइंट या बायर सर्च करे तो आपके कीवर्ड उसके साथ मैच हो और फिर आपकी प्रोफाइल उसके सामने आ जाए और फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें एक ही सीक्रेट है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखना चाहते हैं कि बायर की नज़रों में रहे और गेस्ट पोस्ट भी उसको प्रमोट करे, तो आपको इसको डेली इसको एक्टिव रखना पड़ेगा, यानी कि एक्टिव रखने के लिए आपको डेली इसमें वेबसाइट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि उसको एक मैसेज जाएगा कि आपका प्रोफाइल एक्टिव है। और उससे क्या होगा कि गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट्स को क्लाइंट को रिकमेंड करें और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मुख्तसर से हमने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जो कि आपने ज़रूर अपनी इसको याद रखना है। और बाकी आइए हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं जहां तफसील से इस वीडियो को हमने एक्सप्लेन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो चलिए हम शुरू करते हैं। guestpostnow.com पर आ चुके हैं हम, तो हम सबसे पहले ये अकाउंट में जाएंगे और इधर से डैशबोर्ड को क्लिक किया और अब ये हमें डैशबोर्ड के अंदर ले जाएगा। ये देखिए जी, डैशबोर्ड है, इसमें डिटेल है और हम जाएंगे सेलर पर। सेलर पर जाने के बाद नीचे हम क्लिक करेंगे माय वेबसाइट पर। माई वेबसाइट्स पर गए आप और उसके बाद आपने इधर जाना है ऐड वेबसाइट पर। तो ऐड वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट्स हमारी ये अप्रूव्ड है, ये ग्रीन कलर हुआ हुआ है इनका, और इसके अलावा प्राइसिंग ये दी हुई है साथ, और ये पहले और दूसरे पेज पर आगे जाती जा रही हैं। तो हम ऐड वेबसाइट को क्लिक करेंगे और अब देखिए कि इधर जो है सबमिट न्यू वेबसाइट है। इधर से आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं बल्क में, ज़्यादा वेबसाइट्स हों तो इधर से कर सकते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं अभी, आप इस चीज़ को मत कीजिए। अब नीचे आइए और इसमें आप देखिए कि इसमें आपने वेबसाइट का नाम लिखना है। इधर वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि आप वेबसाइट का नाम लिखें और आपने इधर URL नहीं डालना। ये देखिए आगे लिखा हुआ है URL, HTTPS करके आप इधर नहीं डालना URL। मोस्टली लोग गलती करते हैं, इधर URL डाल देते हैं और जो है URL जिसको कहते हैं लिंक कहते हैं, जिस तरह गेस्ट पोस्ट नो का लिंक है। तो इधर आपने वेबसाइट का नाम लिखना, आपने क्या करना है उस वेबसाइट को जाके कॉपी करना है उसका लिंक और उसको अलहदा ब्राउज़र में उसको खोल लेना है। अब देखिए कि हम वेबसाइट पर आ गए हैं और इस वेबसाइट को
इसका नाम आपने कॉपी किया फ्लेयर मैगज़ीन और आपने इसको इधर फ्लेयर मैगज़ीन लिख लेना है। आपने लाजमी वेबसाइट को खोल कर देखना है, कई बार उसका नाम डिफरेंट होता है, लिंक पे शॉर्ट लिखा होता है, तो आपने इसको लिख देना फ्लेयर मैगज़ीन नाम लिख देना है, लेकिन इसमें आपका यूआरएल नहीं आना चाहिए, ये बड़ा ध्यान से, ये तो आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट में आपने यूआरएल लिखना है। यूआरएल कैसे लिखना है ये देखिए, उसने बताई हुई है नीचे एग्जांपल भी, https से शुरू होगा आपका और आपने आगे डोमेन नेम लिखना है। तो ये आपने अपने हाथ से नहीं लिखना, आपने क्या करना है, इसको ब्राउज़र में जाएंगे जो वेबसाइट खुली है तो इसका ये ऊपर यूआरएल देख रहे हैं आप, यूआरएल को आपने कॉपी कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी करके इधर पोस्ट कर देना है, इधर गेस्ट पोस्ट 9 में। देखिए अब वो कह रहा है https दिखा रहा है आपको, तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, आपने इसको हाथ से नहीं लिखना, ये ना हो कि आप एक्सेल से देखकर खाली वो लिख दें। नीचे एग्जांपल दे रहा है cnn.com की, वो भी https से शुरू हो रहा है, तो आपने भी https, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, इधर से वेबसाइट शुरू होती है, तो ये आपने लिखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टैग्स का। टैग्स देखिए ये SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हर वेबसाइट का एक शॉर्ट सा एक SEO होता है, आपने इसको लाजमी करना है। क्लाइंट या बायर जब भी आपने कुछ उसने ढूंढी है वेबसाइट, वो सर्च में आएगा और अगर आपने वो टैग्स लिखे होंगे ये वाले टैग्स, तो वो यकीनन आपकी वेबसाइट भी ऊपर आ जाएगी, इसको SEO कहते हैं, ये यकीनन SEO का पार्ट है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपकी वेबसाइट टॉप पर ऊपर नहीं आएगी, जो वो सर्च करेगा उसको फाइंड आउट नहीं होगी। तो सर्च बार में आके वो लेट्स से हेल्थ लिखता है, तो आपने भी अगर टैग हेल्थ लिखा होगा तो वो मैच करेगा और आपकी वेबसाइट को ये गेस्ट पोस्ट उसके सामने दिखा देगा, आपकी प्रोफाइल को, आपकी आपने जो वेबसाइट ऐड की होगी, तो यकीनन फिर ऑर्डर देने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट, योर वेबसाइट जो कि आपने इधर वेबसाइट डाली है, वो कौन सी वेबसाइट है वो देखिए, ये वेबसाइट है, इसमें आप देखिए जो टैग्स लिखे हुए हैं वो आपने लिखने हैं। लेट्स से ये तमाम कैटेगरीज एक एक करके आपने इधर लिखते जाना है। तो आपने बिज़नेस की लिखा, उसके बाद न्यूज़ की कैटेगरी, न्यूज़ का टैग लिखा, फिर फाइनेंस का आपने टैग लिख दिया, उसके बाद आप देखिए कि ये फाइनेंस की भी सब कैटेगरी आपने देखनी है, क्रिप्टो है इसमें, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, तो क्रिप्टो लिखेंगे। आपने कोशिश करनी है सारे टैग्स लिखें, क्योंकि 15 तक इसकी ऑप्शन है, लिमिट है, क्रिप्टो है, फिर ट्रेडिंग आ जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इधर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी है, ये इसमें ये है जी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का लिखा टैग लिख दिया, और इसके साथ ही हमने हेल्थ का टैग लिखा, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट नेक्स्ट होगा, ये एंटरटेनमेंट है, और फैशन है, गेम्स है, तो एंटरटेनमेंट लिखा हमने, और उसके बाद फैशन लिखा, और फिर गेम्स है, और ट्रैवल है, ये आखिरी ट्रैवल है। तो आपने इधर मैक्सिमम 15 होती हैं, तो कोशिश करनी है 15 लिखने, ये तकरीबन ये बनेगी 13 के करीब बनेगी, तो 13 है तो इनफ है। तो उसके बाद आ जाता है जी मेन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी में आपने चूंकि आपका जनरल है तो जी दबाएंगे, दो बार दबाएंगे जी तो जनरल आ जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है प्राइसिंग, तो प्राइसिंग में हम आ जाते हैं, और प्राइसिंग में आपने इधर जो है प्राइस वो लिखनी है जो कि आपकी सेलिंग प्राइस है। हम आपको इधर एक चार्ट पर लेकर आते हैं, जो चार्ट हमने बनाया है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चार्ट है, बड़ा मुनासिब है। इसमें क्या है कि हमने इसमें देखिए कि हमने ये वेबसाइट सारी लिखी है कि डमी प्राइसेस है, ये हमने फर्जी प्राइसेस लिखी हैं, आपने इन पर नहीं जाना। तो ये क्या है कि हमने पहला जो सेक्शन बनाया है, अब देखिए पहला सेक्शन जो है वो है एडमिन का और ऑथर का। इसको समझ लीजिए कि एडमिन और ऑथर कौन होते हैं। तो एडमिन जो होता है वो वेबसाइट का मालिक होता है, ऑनर होता है। ऑथर जो होता है, और एडमिन की प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसकी मलकियत होती है, वो जो मर्ज़ी चार्ज करे। ऑथर वो होता है कि जो उसने ऑथर अकाउंट लिया होता है एडमिन से, और वो फिर जो होता है वो $5-10 में लोगों को सस्ती वेबसाइट बेच रहा होता है, बल्क में बेच रहा होता है। तो ऑथर की जो प्राइस होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल एडमिन $100 में एक वेबसाइट को बेच रहा है, लेकिन ऑथर उसी वेबसाइट को $5-10 में वो बेच रहा होगा, तो यकीनन सब ऑथर से ही लेना पसंद करेंगे। तो आपको भी हम भी रिकमेंड करेंगे कि आपने भी ऑथर से वेबसाइट लेनी है, लेकिन शर्त ये ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो आपका आर्टिकल परमानेंट लगा सके। तो अब आइए ये हम वेबसाइट बताते हैं कि ये देखिए हमने PKR में लिया 4000 की, और वेबसाइट है, और उसके बाद उसको हमने डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर का रेट है 277।
अब आप देखिए कि मिसाल के तौर पे एडमन है, वो जो वेबसाइट का मालिक है वो 100 से $120 में 100 की वेबसाइट $120 में बेचता है, लेकिन यही ऑथर इसी वेबसाइट को 10 डॉलर से $15 की बेचेगा, तो यकीनन हर कोई प्रेफर करेगा ऑथर से ही ख़रीदे। तो अब आइए देखिए कि अब इसकी प्राइस है 4000 पाक रुपीज़ में है, तो इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो 277 का आज का जो रेट है वो तकरीबन 277 का लगाया, तो ये $14 के करीब बनेगा। तो ये हमने इसकी प्राइस निकाली, ये कॉस्ट है, ये हर सूरत हमने ऑथर को देनी है। तो अब क्या करना है, $14 में हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया $15। अब ये आपको अभी समझ नहीं आएगी $15 इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों ऐड किया, और ये टोटल मिलके बन जाएगा जो GPN की प्राइस है, गेस्ट पोस्ट नो की प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो हमने लिखनी है वो क्या होगी, 14 में $14 में 15 ऐड करें तो $29 की प्राइस निकलेगी। ये अभी आपको एंड पे जाकर आपको इस समझ आएगा, तो अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो $29 $15 प्रॉफिट ऐड किया और $29 हमारी प्राइस है, ये हमने GPN गेस्ट पोस्ट नो पे सेलिंग प्राइस डालनी है, लिखनी है। अब आगे आ जाइए, ये क्या करता है, GPN टैक्स काटता है, टैक्स है 25%, तो हमें कितना मिलेगा 75%, तो ये टैक्स कटा $7, 29 में से $7 कटा, तो बाकी बचा $22 जो है ये हमारे पास अभी बच गया। अब $22 जो है ये 75% है जो हमें रिसीव हुआ, जो कटा है वो 25%, तो 29 में से 7 निकाले तो $22 बच गए। अब नेक्स्ट आइए, अब देखिए $22 में से हमने PayPal की पेमेंट निकालनी है $3। अब PayPal क्या है, PayPal ऐसा है कि जैसे वेस्टर्न यूनियन है, या वो क्या करता है पूरी दुनिया में ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप हैं और दूसरी तरफ अली है, क्या हुआ कि आपने अली का PayPal का अकाउंट है और आपने अली से कहा कि जी हम आपका PayPal का अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं, अपना ID दें, तो वो हमें ID हम उधर लिख लेंगे और ये जो पेमेंट है $22 ये अली के अकाउंट में आ जाएगी PayPal के अकाउंट में, क्योंकि हमारा PayPal नहीं है, पाकिस्तान में बैन है, और ये अली कहेगा तो जो सर्विसेज दे रहा है उसके वो सर्विस चार्जेस ले लेगा हमसे, $3 काट लेगा, $3 कुछ $5 भी काटते हैं, कुछ परसेंटेज भी काटते हैं, 10% 5% इस तरह से, हम एज्यूम करते हैं अली ने $3 काट लिया, तो बाकी कितना बचा, यानी कि आप हैं और ये अली हैं। दोबारा सुन लीजिए, तो अली को जो $22 है वो अली के अकाउंट में गए और अली ने ऊपर अपनी इस मेहनत के सर्विस चार्जेस के $3 काट लिए, तो बाकी कितना बचा, $19 अली के पास हमारा पड़ा है। तो अली के पास जो $19 पड़े हैं, तो अली क्या करेगा, उसको जो करंट कन्वर्जन रेट है पाक रुपीज़ का इनके डॉलर का, वो इधर रेट है 277 मिसाल के तौर पे आज का रेट है, तो उसको इसे मल्टीप्लाई करेगा, जितने पैसे बनेंगे वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, हम उसको जैज कैश देंगे या जो बैंक अकाउंट देंगे तो वो उसमें वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखिए बाकी बचे हैं $19, तो $19 में से हमने $14 जो उसे ऑथर से वेबसाइट लिया उसको देनी है, तो $14 19 में से 14 गए तो बाकी बच गया $5, ये है हमारा प्रॉफिट। हमने $5 कम से कम हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए हर वेबसाइट के पीछे, और इसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तकरीबन ये 1600 के करीब बनेगा जो 277 का रेट आप लगाएंगे। तो क्या है कि आपने इधर से जो रे अगर इसको चेंज करते हैं हम 14 की बजाय 15 करेंगे तो तकरीबन ये $5 के अराउंड बन जाएगा ज़्यादा, अगर हम इसको 12 करते हैं तो वो देखिए $2 बच गया। तो अब देखिए इधर चेंज किया हमने $10 किया प्रॉफिट, $10 किया तो आखिर पे हमें नेट $1 बचा, इसका मतलब है हमें $1 तो नहीं चाहिए ना, हमें $5 प्रॉफिट चाहिए, तो इसी को हम ऊपर नीचे करेंगे ये वाली अमाउंट को, ये जो $16 है ये $15 हम कर रहे हैं $14 कर रहे हैं, इसी को हम चेंज करेंगे जिस हिसाब से हमारी प्राइस सेट हो जाएगी GPN की, जो कि हमें इधर अभी $16 किया तो 30 आया, अब इसको दोबारा 15 करेंगे तो ये $29 हमारी प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह से आपने सारी इन चीज़ों को आपने वेबसाइट को अपनी प्राइसिंग करनी है। इसको हम ये पहला वर्टिकल था, अब हम आपको पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, अब इसको वर्टिकल फॉर्म में भी एक बार देख लीजिए। ऑथर की हमने ली वेबसाइट $14, तो $15 हमने इसमें ऐड किया तो नीचे GPN की प्राइस आ जाएगी $29 सेलिंग प्राइस, जो कि गेस्ट पोस्टों पर सेल करनी है। उसके बाद इसका टैक्स लगा 25% $60, कटा उसमें से बाकी बच गया $22, $3 PayPal वालों को पे किया, बाकी बचा $19, 19 में से $14 वो जो ऑथर की पेमेंट थी वो हमने इसको पे किया तो बाकी $5 बच गया। तो इसको आप देख लीजिएगा ये $14 जो है ये उसकी ऑथर की पेमेंट है,
तो बाकी बचेगा $5। तो इसको आप बार बार देखें और इस चार्ट को बनाने की कोशिश करें और इसी को कॉपी कर लीजिए और इस तरह से आप इनको चीज़ों को कर सकते हैं। अब हमने इधर आके प्राइस लिख ली $29 जो कि हमने अभी निकाली है। एंड रिजल्ट हमारा $5 प्रॉफिट बच रहा है। अब इसमें टाइप जो आ जाएगी, इसमें लिंक टाइप डू फॉलो है यही रखना है और आपने टू जो है डू फॉलो लिंक आपने दो देनी है वो आ जाएगा। इसके नीचे अब वो कह रहा है आपको सैंपल, सैंपल आपने क्या करना है, वेबसाइट पे आना, आपने कोई भी आर्टिकल इसमें से आपने देखना है तो हम लेट से ये वाला आर्टिकल को क्लिक करेंगे और आपने क्या करना, ऊपर से इसका URL को कॉपी कर लेना है, क्लिक करना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और आपने इधर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन ये चीज़ का गारंटी रहे, ये चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका ये HTTPS से शुरू होना चाहिए, यानी कि जिससे ऊपर वाली आपकी वेबसाइट भी HTTPS से शुरू हुई है और ये भी आपका ये देखिए HTTPS से शुरू हुई है और ये भी आपका HTTPS से शुरू होना चाहिए, सेम डोमेन होनी चाहिए आपकी, नहीं तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप शुरू में देखिए इसको, ये देखिए HTTPS लिखा हुआ है तो आपने सेम ऊपर वेबसाइट भी इसी से ही है तो दोनों को इसी से स्टार्ट करना है आपने और उसके बाद आपने नहीं तो ये देखिए आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और इसके अलावा आपका वो कह रहे बार बार वो कह रहे सेम होना चाहिए तो HTTPS को सेम रखें। अब नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, से मुराद आप जो भी लिखेंगे क्लाइंट सर्च करेगा, इसमें आपके 1000 तक करेक्टर्स होने चाहिए और इसके अलावा इसमें आपने कोई अपना URL नहीं देना, कोई वेबसाइट का लिंक नहीं देना, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर नहीं तो वो आपके इसको रिजेक्ट कर देगा, आपकी अप्रूव नहीं होगी वेबसाइट। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं नीचे के आपने ये वाला जो कॉन्टैक्ट है उसने खुद दिया हुआ है GP गेस्ट पोस्ट नो में, क्या आप इसको कॉपी करके तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप अगर इसमें से निकालना चाहें तो निकाल ले, तो फिर कॉपी किया और इधर आके हमने कंट्रोल वी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपका जो पोस्ट है परमानेंट होनी चाहिए, दूसरा है कि ये गूगल इंडेक्स होनी चाहिए, इसके अलावा कैसीनो बिटकॉइन बेटिंग और इसके अलावा एडल्ट कंटेंट, ये चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी तरफ से कह रहे हैं, हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कैसीनो बेटिंग एडल्ट कंटेंट को, लेकिन हम उसका $10 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, लेकिन हम तो ना इसको ऑफ़र कर रहे हैं और ना ही $10 चार्ज करेंगे तो हम इसको इधर से डिलीट कर देंगे, वो हमने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद नीचे आ जाता है कि हमने कहने कि हम जो है आपका कंटेंट जो प्रमोशनल नहीं होना चाहिए, आपने अपनी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए, इससे मुराद है कि क्लाइंट को व्यूअर को फ़ायदा हो, उसको नॉलेज मिले जिस मकसद के लिए वो आया है, ना कि आप अपनी प्रमोशन करते रहें। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जब आप एक प्रमोशनल कंटेंट वेंडर की वेबसाइट पर लगेगा तो क्या होगा, लोग उसको एक बार पढ़ेंगे और छोड़कर चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, वेंडर की वेबसाइट क्या होगी उसकी डाउनग्रेड हो जाएगी, उसकी वेबसाइट नीचे आ जाएगी, उसका DADR कम हो जाएगा, उसकी ट्रैफिक कम हो जाएगी, इससे नुकसान वेंडर को होता है, इसलिए वेंडर कहता है कि आपने प्रमोशन नहीं करने अपनी प्रमोशन। दूसरा आ जाता है टू फॉलो लिंक होने चाहिए आपके, टू से ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपका वन है तो इसको वन लिख लें, अगर टू है तो टू है, स्टैंडर्ड टू ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने 500 तक करेक्टर्स तक वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, यूनिक होना चाहिए और प्रमोशनल नहीं होना चाहिए। तो ये हम सब कुछ क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाइए, अगला पॉइंट है कि आपने क्या करना है कि जब आपने ये वर्ड यूज़ करने, मिसाल के तौर पर वेंडर की ये वेबसाइट है, ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट जो है वो वेंडर की वेबसाइट जब आर्टिकल लगाएगा, आर्टिकल में दो डू फॉलो लिंक लगाएगा, तो डू फॉलो लिंक की जगह जो इधर वर्ड्स यूज़ होने हैं वो ये हम बता रहे हैं क्लाइंट को कि आपने क्या करना है, आपने लिखना है क्लिक हियर, तो आपने क्लाइंट को ये बता रहे हैं कि क्लिक हियर रीड मोर दिस वेबसाइट वाले, ये वाले जो वर्ड्स हैं आपने किसके पीछे लगाने हैं, यानी कि उसके ऊपर लगाने हैं बैक लिंक के ऊपर। तो ये आपका जी कंप्लीट हो गया है, ये सबमिट वेबसाइट है, लेकिन उसके लिए आप इसको एक बार आपने इसको चेक कर लेना दोबारा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक तो प्राइसिंग चेक कर लेनी है, $29 लिखा है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लें कि कहीं गलत तो नहीं, उसके बाद आपने डू फॉलो और टू वाला कि डू फॉलो कितने हैं, टू हैं, ये आपने चेक कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी वेबसाइट सबमिट हो गई है, अप्रूवल के लिए चली गई है और ये देखिए जी वो मैसेज भी आ गया, वो कह रहे हैं कि जी आपकी अप्रूवल के लिए चली गई है, रिव्यू में पेंडिंग पड़ी है और इसको अप टू 48 आवर्स 48 घंटे
तक लगेंगे, यानी कि 48 घंटे। तो क्या है कि ये तकरीबन 24 घंटे से पहले पहले ये आपकी ये अप्रूव हो जाती है अगर कोई इशू ना हो। अब देखिए ये सारा फॉर्म है जो आपने फिल किया, वेबसाइट का नाम आ गया, उसका लिंक आ गया, उसके अलावा आपने जनरल लिखा, उसको डू फॉलो, टू लिंक्स लिखे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नीचे आ गई। और ये जो आपने वही जो सारा SEO किया, चीज़ें लिखी, इंस्ट्रक्शंस दी, ये भी आ गया। और उसके अलावा टैग्स जो आपने लिखे वो भी आ गया। तो अब ये आपका हो गया। और ये देखिए आपकी प्राइस बता रहे और ऊपर से कह रहे हैं रिसेंटली जो आपने इसको सबमिट किया है। और ये नीचे आपको दिखा रहा है दूसरी वेबसाइट्स की प्राइसिंग भी बता रहा है। आप भी इसको कर सकते हैं, वेबसाइट को फाइंड आउट करके इनकी डिमांड ज़्यादा है, इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नीचे भी बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाई गई हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए उनकी प्राइसिंग भी लिखी है और सब कुछ टैग्स भी लिखे हैं, कौन कौन से टैग्स हैं कि ये वेबसाइट अगर इनका है, इन टैग्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको चीज़ बताते हैं कि ये देखिए एडिट है और ये डिलीट है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं अपने सारा। और एडिट को क्लिक करते हैं तो देखिए क्या मैसेज आता है। ये देखिए अलर्ट आया। अलर्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि आप अगर इसको एडिट करना चाहें तो आप प्राइस चेंज कर सकते हैं, सिर्फ प्राइस जो है वो उसके लिए कोई इशू नहीं है, यानी कि वो अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी। अगर जाएगा आपका तो सिर्फ आपने अगर दूसरी चेंज की है, लेट्स से जिसमें आपका ये नेम है, आपका डू फॉलो है टू। अब सवाल ये कि प्राइस को चेंज कर सकते हैं हम? देखिए प्राइस अगर आज आपका 288 का डॉलर हो जाता है, 300 का हो जाता है, 250 का डॉलर हो जाता है, तो प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपने प्राइस को चेंज करना, ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है, इन्फ्लेशन महंगाई है या और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मईशत में ये प्राइस आपका डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस तरह से आप सिर्फ प्राइस को चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ को नहीं कर सकते। इसको आप सेव कर लें एक बार, अगर आपने चेंज किया है तो ये अभी हमें चेंज का सक्सेस का मैसेज दे देगा, ऑल दो हमने चेंज किया या नहीं किया। तो अब ये देखिए दोबारा हम डैशबोर्ड पे गए, सेलर की गए और माई वेबसाइट पे आए। और आपने देखना है इधर कि ये देखिए जी सबसे ऊपर जो वेबसाइट है ये है वेबसाइट फ्लेयर मैगजीन, इसकी प्राइसिंग है। और उसके बाद इसकी देखिए पेंडिंग का येलो कलर का रहा, बाकी सारे ग्रीन है जो कि आपको अप्रूव्ड हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर से इनको एडिट कर सकते हैं, इनके टाइम है और ये अभी जो टाइम है ये बिल्कुल 00, अभी भी हमने पोस्ट किया है, इसको सबमिट किया है। होप कि आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा, अगर सीखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।